मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों की। महाराष्ट्र में कोरोना का रफ्तार बढ़ता ही जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 44,328 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 15,351 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। रविवार को 12 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 207 मामले दर्ज किए गए हैं। ओमिक्रॉन के कुल 1216 मामले राज्य में अब तक दर्ज हुए हैं। मुंबई में रविवार को कोरोना के 19,474 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 863 लोगों की रिकवरी हुई है। वहीं 7 लोगों की कोरोना की वजह से मौत की गई है। वही कॉर्पोरेशन चुनाव में उतरने के लिए अब आम आदमी पार्टी भी मुंब्रा में अपनी कमर कस रही है। आम आदमी पार्टी के लीडर अबू अल्तमस फैजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनकी पार्टी 134 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और साथ ही ये भी कहा कि चुनाव में टोरेंट पावर का मुद्दा खास होगा। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर एक महिला पर्यटक समुद्र में डूब रही थी, जिसे पुलिस कर्मियों ने बचा लिया है। मुंबई पुलिस के मुताबिक समुद्र में तेज बहाव होने के कारण नाव टकराने की वजह से ये महिला अनियंत्रित होकर समुद्र में गिर गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने इस महिला पर्यटक को बचा लिया। मुंबई के घाटकोपर इलाके में केमिकल कंपनी की टैंक की सफाई के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। गैस लीक होने की वजह से 3 मजदूरों की हालत बिगड़ गई। 3 में से 1 मजदूर की जान भी चली गई है, जबकि 2 मजदूरों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। CGST कमिश्नरेट अधिकारियों ने मुंबई जोन के नवी मुंबई में 70 करोड़ रुपये के GST से जुड़े नकली इनपुट टैक्स क्रेडिट का भंडाफोड़ किया है। इस नेटवर्क ने बिना किसी माल की आपूर्ति किए 385 करोड़ रुपए से अधिक का फर्जी चालान जारी किया था। मुंबई CGST अधिकारियों ने इस पूरे मामले में 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।